बालों का टेक्सचर जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अगर हम इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे घूमेगा। तो इनके अंदर मैंने इसको इस तरह से अड़ाना है, तो हम इसको इस तरह से घुमाएंगे। कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ऑटोमेटिक हेयर कर्लर के साथ बहुत ही मजे के वॉल्यूमाइज कर्ल्स करने का बहुत ही आसान मेथड शेयर करने वाली हूँ, और बिल्कुल सैलून लाइक ट्यूटोरियल जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपके कर्ल्स लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। इवन अगर आपके हेयर्स मेरी तरह ऑल टाइम स्ट्रेट रहते हैं, कर्ल्स बहुत जल्दी खुल जाते हैं, तब भी आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं आज की इस वीडियो में यूज करने वाली हूँ हमारे ये वाले एक बहुत ही वायरल कर्लर को। ये वाला कर्लर जो है ना कि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा था, टिकटॉक पे, इंस्टा पे, हर जगह। तो मैंने सोचा मुझे ये ऑर्डर करना चाहिए, तो मैंने इसको ऑर्डर किया दराज पे कोई सबसे सस्ता वाला पेज ढूंढ के जहां पे इस पर डील लगी हुई थी। अच्छा, उनका व्हाट्सअप नंबर भी आपको स्क्रीन पर नजर आ जाएगा और उनका लिंक जो है ना वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस कर्लर को ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। तो ये जो इसका बॉक्स है, यहाँ पर आप लोगों को सारा कुछ जो है वो पिक्चर के साथ ही आप लोगों की आसानी के लिए रिटर्न फॉर्म में भी लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। बॉक्स को ओपन करने पर इसके अंदर से आपको मिल रहा है जी कर्लर कुछ इस तरह से। अच्छा, सबसे ज्यादा मजे की बात यह है कि इसके अंदर आपको जो है ना टेलकॉम मिल रही है, ताकि आप इजीली अपने बालों में सेक्शनिंग के लिए इसको यूज कर सको। छोटा सा एक मिनी क्लिप भी है जिसके साथ आप जो है ना अपने बालों को कैचर कर सकते हो हेयर स्टाइलिंग के दौरान, जो कि दिखता है कुछ इस तरह का। तो आपने देखते ही पहचान जाना है ये कौन सा वाला कर्लर है। बहुत ही प्रिटी सा कलर कॉम्बिनेशन है इसका, और ये जो है ना ये इसका आउटर लुक है। और रिजल्ट जो मैं आप लोगों को इसकी दिखाऊंगी ना, तो आप लोग हैरान 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 परेशान हो जाओगे कि इतने कम प्राइस वाले कर्लर के साथ इतने अच्छे इतने अमेजिंग रिजल्ट्स कैसे मिल गए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं कि जब भी हम कर्ल्स बनाते हैं ना, एट अ टाइम तो इतने हसीन लग रहे होते हैं, इतने हसीन लग रहे होते हैं, कैसा लगता है कि मतलब इस तरह के कर्ल्स तो कोई कर ही नहीं सकता। और कुछ टाइम गुजरने के बाद बाल जो है वो इस तरह से खुलना स्टार्ट हो जाते हैं, कर्ल्स लूज हो जाते हैं, फिर भी वो इतने बुरे नहीं लगते जितने कि वो इवेंट में जाने के बाद लग रहे होते हैं। मतलब इवेंट में पहुंचने से पहले ही बाल बिल्कुल खुल के स्ट्रेट हो जाता है। यहाँ पर अपनी इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं यूज करती हूँ हमेशा नोवा का हेयर मूस। हेयर मूस जो है ना वो आपको डिफरेंट ब्रांड्स में मिल जाता है, बट अगर आप किसी अच्छे हेयर मूस की तलाश में हो तो आपने ये लाजमी ट्राई करना है। ये जो है ना ये इसका पंप है आगे से, ठीक है, और इसको जब भी आपने यूज करना है आपने इसको पहले शेक करना है अच्छे से। जब आप इसको शेक कर लोगे तो स्टार्ट में आपको ये थोड़ा लिक्विडी फील हो रहा होगा, थोड़ा सा शेक करने के बाद ये जो है ना ये हार्ड हो जाएगा। इट्स मीन कि ये बिल्कुल रेडी टू यूज है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से अपने हाथ पे निकालना है। ये देखें, मतलब कि जब हमने इसको निकाला था तो ये जो था ना ये बिल्कुल लिक्विड ही था, इस तरह से बह रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये बिल्कुल हार्ड होके फोम में कन्वर्ट हो गया है इस तरह से, ठीक है। तो आपने डरना नहीं है कि ये पता नहीं क्या निकल गया इसके अंदर से, ये होता ही इस तरह से है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको इस तरह से अपने हाथ के ऊपर ब्लेंड करना है इस तरह से, और आपने इसको अपने बालों में अप्लाई कर लेना है लाइक दिस, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके बालों का टेक्सचर जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, और फिर आप जो कर्ल्स या जो हेयर स्टाइलिंग या लेयरिंग वाला पफ कुछ भी आप बना रहे हो ना वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, और आपके बाल जो है ना वो जल्दी खुलेंगे नहीं, ठीक है। और मैं इसको जो है ना अच्छे से ब्लेंड आउट कर लूंगी, इससे आपके बाल जो है ना वो थोड़े से वेट हो जाएंगे, बट इट्स ओके, आप बाद में इसको ड्राई के साथ जो है वो सुखा लोगे, ड्राई कर लोगे, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ड्राई करने के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत ही चीप प्राइस वाला हेयर ड्रायर लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इश्यू आता है प्राइस को लेके, कि प्राइस बहुत ज्यादा है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ऑब्वियसली हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने बहुत ज्यादा ढूंढ के आप लोगों के लिए रेमिंगटन का ये वाला मिनी सा हेयर ड्रायर ढूंढ निकाला है, जो कि आपको बहुत ही कम रेंज में मिल रहा है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। हाँ, लेकिन आप इस हेयर ड्रायर को जो है ना अपने 15-20 हजार वाले ड्रायर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस के साथ साथ क्वालिटी में भी फर्क होता है। ऑब्वियसली एक महंगी चीज है, उसकी क्वालिटी उसी के हिसाब से होगी, लेकिन आप इसको जो है ना वो यूज कर सकते हो, बुरा नहीं है ये, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये हेयर ड्रायर है ग्रीन कलर में, इसमें आपको दो कलर्स मिल जाते हैं, एक व्हाइट कलर है एक ग्रीन कलर है। इसकी पैकेजिंग बड़ी जबरदस्त है और मिनी सा है, इजी टू कैरी, आप कहीं पे भी इसको लेके जा सकते हो। और ये इसके साथ जो है ना इसकी न्यूजल है, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हो इस हेयर ड्रायर को, तो ऊपर यहाँ पर आप लोगों को नंबर नजर आ रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके इसे ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया, वहां से भी इसको ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पर आप लोगों को ये बटन नजर आ रहा होगा, यहाँ से आप इस ड्रायर को ऑन, ठीक है, ये इसकी मीडियम स्पीड है, ये इसकी हाई स्पीड है, और यहाँ से आप इसको ऑफ कर सकते हो। तो इसके साथ हम पहले बहुत अच्छे से अपने बालों को ड्राई करेंगे और फिर हम जो है वो कर्ल्स करना स्टार्ट करेंगे।
अगर आप चाहते हैं कि आपका हेयर ड्रायर जो है वो कभी भी खराब ना हो तो इसको अंदर अंदर थोड़ी थोड़ी देर बाद ऑफ करते रहें तो ये कभी भी खराब नहीं होगा। हमें बालों की बनानी है सेक्शनिंग, एंड सेक्शनिंग के लिए मैं यहाँ पर क्रोकोडाइल क्लिप्स जो है वो यूज करने वाली हूँ। ये वाले क्लिप्स भी आपको मिल जाएंगे, स्क्रीन पर नंबर नजर आ रहा होगा, उस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। ये एक पैक है, उसके अंदर आपको जो है ना वो 6 क्लिप्स मिलते हैं, और आप इसको हेयर डाई में, आप इसको हेयर स्टाइलिंग में, मतलब हेयर के किसी भी काम में आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। इसकी ग्रिप इतनी अच्छी है कि आप इसको एक दफा लगा दोगे ना आपका बाल टस से मस भी नहीं होगा। क्योंकि सेक्शनिंग बना लेंगे तो मैं यहाँ पर अपना एयर टू एयर वाला जो सेक्शन है ना, एयर टू एयर नहीं, एयर से थोड़ा छोड़ के यहाँ से मैं इसको जो है वो पकड़ के पीछे पिनअप कर लूंगी। और जी कर्ल्स वगैरह करने के लिए सबसे पहले अपना क्राउन एरिया जो है वो सेपरेट कर लिया करें, और सेक्शनिंग के साथ काम करेंगे तो आपको कर्ल्स करने में आसानी होगी और आपका हेयर स्टाइल जो है वो और ज्यादा खूबसूरत लगेगा। और कर्ल्स मैं जो है ना सेंटर पार्टीशन में करूंगी, मतलब सेंटर से इस तरह, तो यहाँ से थोड़े थोड़े सेक्शन लेंगे और कर्ल्स करना स्टार्ट करेंगे। कर्लर को जो है वो स्विच बोर्ड में लगा लिया है, यहाँ पर आपको ये इसकी लाइट नजर आ रही होगी, इसमें ये कि हमारा कर्लर जो है ना वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे ये देखें, अगर आप ये वाले बटन को प्रेस करोगे तो हमारा ये कर्लर जो है ये इस साइड पे, मतलब राइट साइड पे घूमेगा लाइक दिस। अगर हम इस वाले बटन को प्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे घूमेगा। तो आपने अब देखना है कि आप किस टाइप के कर्ल्स है वो करना चाह रहे हो। लेट्स सपोज के मैं आउटवर्ड कर्ल्स करी हूं, तो मैं अपने राइट साइड वाले बाल जो है उसको राइट साइड पे टर्न करूंगी, एंड लेफ्ट साइड वाले बाल जो है वो लेफ्ट साइड पे टर्न करूंगी, जो कि स्ट्रेटनर के साथ थोड़े से डिफिकल्ट है बिगिनर्स के लिए। मैं इसको स्ट्रेटनर के ऊपर, सॉरी कर्लर के ऊपर इसके अंदर रखूंगी, और ये जो आपको यहाँ पर ये ब्रेसेस नजर आ रहे हैं ना दो, ये वाले दो, इनके अंदर मैंने इसको इस तरह से अड़ा लेना है, और मैंने कर्लर को यूं बिल्कुल सीधा पकड़ना है। अब मैंने यहाँ से बटन को मूव करना है, ठीक है। अगर मैं इस बटन को मूव करती हूँ तो ये देखें, ये मेरा कर्ल जो है ना वो आउटसाइड पे मूव कर रहा है, लेकिन अगर मैं दूसरा वाला बटन प्रेस करती हूँ तो ये कर्लर जो है ना ये उल्टी साइड पे मूव करेगा। तो हमने इसको उल्टी साइड पे मूव नहीं करना, हमने इसको जो है ना अदर साइड पे मूव करना है। तो हम इसको इस तरह से घुमाएंगे एंड आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इसको प्रेस करते जाएंगे, और इसको जब आपको लगेगा कि आपके बाल अच्छे से इसके ऊपर फोल्ड हो गए हैं तो हम इसको इसी तरह से छोड़ेंगे एंड कुछ सेकंड्स के लिए वेट करेंगे। अब मैंने यहाँ पर इसको जो है वो कुछ सेकंड्स के लिए रोका, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इसी तरह से घुमाऊंगी एंड सी। अब आपने इस कर्ल्स को जो है ना इस तरह से उठा के रखना है थोड़ी देर के लिए, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाता, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना उसके बाद मैं इसको छोड़ूंगी तो ये नहीं खुलेगा। अगर आप कर्लर को छोड़ते ही बाल को इसी तरह से छोड़ देते हो ना तो वो पहले ही बाल गर्म होता है, कर्लर के ऊपर लिपटा होता है, तो कुछ सेकंड के बाद ही बाल जो है ना वो लटक जाता है, ठीक है। तो आपने इसको थोड़ी देर के लिए इस तरह से पकड़ के रखना है, या आपने इसको ऊपर करके रखना है ताकि ये जो है ये थोड़ी देर के लिए यहाँ पर ही फिक्स हो जाए, ठंडा हो जाए। अच्छा जी, तो यहाँ पर बालों की जो पार्टीशन है वो आपने बहुत थोड़ी थोड़ी लेनी है, मतलब अगर आपके बालों का वॉल्यूम कम है, जैसे कि मेरे बाल हैं, बालों की लेंथ तो है थोड़ी सी लेकिन वॉल्यूम जो है ना वो बहुत कम है, तो अगर मैं बालों की लेयर इतनी ज़्यादा लूँगी तो गिन के 4 कर्ल बनेंगे जो कि बहुत बुरे लगेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि कर्ल्स काफ़ी ज़्यादा बने और ज़्यादा देर तक स्टे भी करें तो बालों की जो सेक्शनिंग है वो आपने बहुत कम लेनी है, इतनी कम भी नहीं लेनी कि बिल्कुल ही एक बाल आप पकड़ लो, थोड़ा सा लेना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लेना। और आपने अगर चाहते हो कि आपके कर्ल्स लास्टिंग रहे, आपके कर्ल्स हैं वो पूरा इवेंट जो है वो आराम से गुजार दें, तो आपने कर्लर पे जो है ना बालों को फोल्ड करने के बाद कम से कम जो है ना 10 सेकंड तक वेट करना है, उसके बाद आपने बालों को जो है ना वो खोलना है या कर्लर से उतारना है ताकि आपका कर्ल जो है ना वो सही हार्ड वाला बने और इवेंट तक पहुंचने तक थोड़ा सा लूज होकर जो है ना वो एक अच्छा सा लुक जो है वो देने लग जाएगा। बस आपने कर्लर की डायरेक्शन जो है ना वो देख के मूव करनी है कि आपका कर्ल जो है ना वो अच्छे से आउटसाइड पे मूव होना चाहिए। अभी यहाँ सेक्शनिंग के नीचे जितने भी मेरे बाल जो है वो बचे थे ना, मतलब मैंने खुद छोड़े थे, उनको मैंने कर्ल्स कर लिया है आउटवर्ड पे, इन तरफ वाले बालों को उस साइड पे, इन तरफ वाले बालों को उस साइड पे। तो अब हमारे जो ऊपर वाले बाल थे ना, ये वाले, इनको हमने कर्ल्स करना है, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। तो मैं इसकी सेक्शनिंग निकालूंगी इस तरह सेंटर में ताकि मैं इसको जो है वो इस तरह से बना सकूं या फिर कर्ल्स कर सकूं लाइक दिस। यहाँ पर ये कर्ल्स करते हुए आपको जो मेन फोकस है वो यहीं पे रखना है कि आपके जो राइट साइड वाले बाल हैं उनके मूवमेंट आपने राइट साइड पे ही करनी है, और जो लेफ्ट साइड वाले बाल हैं उनके मूवमेंट आपने लेफ्ट साइड पे ही करनी है, तभी आपके कर्ल्स जो है ना वो आउटवर्ड बनेंगे और वो ज़्यादा हसीन लगेंगे, ठीक है। और ये जी कंप्लीट होने के बाद बहुत ही खूबसूरत सा लुक देंगे। और यहाँ पर मैंने जो फ्रंट वाले एयर टू एयर वाले बाल हैं ना, उनकी सेक्शनिंग जो है ना वो बिल्कुल यूँ सीधा और बिल्कुल स्ट्रेट में ली है, और मैंने कर्ल्स को बिल्कुल ऊपर तक जो है वो कर्ल किया है ताकि ये फ्रंट से बिल्कुल इस तरह से पफी लुक जो है ना वो दें। दूसरे साइड पर मैंने ऑफ कैमरा ही कर्ल्स जो है वो कर लिए थे, एंड ये डन होने
करने के बाद जो है ना वो इतने कोई हसीन लग रहे थे ना, इतने हसीन लग रहे थे, और पूरा दिन गुजर गया था। नेक्स्ट डे भी मेरे बाल जो है ना वो ख़राब नहीं हुए थे, कल जो है ना वो बिल्कुल वैसे के वैसे ही थे। और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हुआ था बालों को प्रिपेयर करने की वजह से, क्योंकि मैंने बालों को मूज लगा के अच्छे से बालों को हार्ड कर लिया था। दैट्स वाई कर्ल्स है ना, जब तक मैं बालों को वॉश नहीं किया मेरे कर्ल्स हैं वो ओपन नहीं हुए। इसका मतलब ये कि हमारे बालों को प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि हमारे स्किन को प्रिपेयर करना ज़रूरी है हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए। और जी मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त डिस्काउंट कोड है 10 ऑफ आसमा के नाम से। आप अगर दराज से इस मशीन को ऑर्डर करते हो तो आप वहाँ पर वाउचर कोड में जाकर ये कोड लगाओगे तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर जो है ना ये मशीन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप डायरेक्ट व्हाट्सअप से जाकर जो है ना इस मशीन को ऑर्डर करते हो तो आप वहाँ पर जाकर कोड बता के भी डिस्काउंट जो है ना वो ले सकते हो। तो मेरे ख्याल से हर लड़की के पास ये मशीन जो है ना ये लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि हर दफ़ा हम सैलून पे नहीं जा सकते तो सेल्फ यूज़ के लिए आपके पास जो 4-5 ज़रूरी चीज़ें हैं ना वो लाजमी होनी चाहिए। तो लाजमी इसको जो है वो कॉन्टैक्ट करके मंगवाइएगा, इसको यूज़ करके अपने फीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। और अब आप जितना मर्जी अपने बालों को कॉम कर लें, अपने फिंगर्स के साथ इनको सीधा कर लें, ये ऐसे ही रहेंगे, ये ख़राब नहीं होंगे। तो जी आपकी आसानी के लिए मैंने हर चीज़ का व्हाट्सअप नंबर जो है ना वो साथ स्क्रीन पर मैंशन किया है, ताकि आप लोगों को जो भी चीज़ इनमें से चाहिए, क्रोकोडाइल क्लिप्स चाहिए आपको, हेयर ड्रायर चाहिए आपको, कर्लर चाहिए, सबके नंबर आपको साथ साथ मैंने स्क्रीन पर जो है वो मेंशन किए हैं, वहाँ से जाके इन्हें ऑर्डर पे मंगवा सकते हो। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी लाजमी चेक कर लिया करें। गाइस दिस इज द फाइनल लुक, होप सो कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे से समझ भी आ गया होगा। सो अगर आप इस कर्लर को ऑर्डर पे मंगवाना चाहते हो तो यहाँ स्क्रीन पर आप लोगों को एक व्हाट्सअप नंबर नजर आ रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके इस रॉड को मंगवा सकते हो। इसके अलावा आपकी आसानी के लिए इसका लिंक और इनका व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दिया है। और अगर आप इस हेयर ड्रायर को ऑर्डर पे मंगवाना चाहते हो तो इसके लिए भी नंबर आपको ऑन स्क्रीन नजर आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टेक्ट करके इसको मंगवा सकते हो। बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल रहा है और सेल्फ यूज के लिए बेस्ट है, ठीक है। रिजल्ट तो आपने इसका देख ही लिया है। इसके अलावा सेक्शनिंग क्लिप्स मैंने यूज किए हैं आज की इस वीडियो में, और नोवा का हेयर मूव यूज किया है जिसकी वजह से मेरे कर्ल्स हैं वो इतने अच्छे और इतने लॉन्ग लास्टिंग बने हैं। तो आप उन चीजों को भी ऑर्डर कर सकते हो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, एक अच्छे से कमेंट करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।